चलो उठो और कुछ खा लो। रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए होती है। उठ भी जाओ। मुझे कुछ नहीं खाना है। वो वही है ना, तुम्हारी दोस्त जिसे तुम हमारे रेस्टोरेंट में लाती थी। वो मेरी दोस्त नहीं थी। उसने तुम्हारे ज्यादा बाल नोच दिए। तुम हार गई क्या? शायद इसीलिए रोना आ रहा होगा। उसने उसी का नाम लिया। वो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था और मुझे देखा भी नहीं। मुझसे फॉर्मल होकर बात करता है और उससे ऐसे जैसे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ओ अच्छा, इसलिए इतना रोना आ रहा है तुम्हें? हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं। मुझे इतनी तभी से चूरी चूरी बोल के बुलाता है और उसको कोमुनियां कहता है। और उसके इतने अच्छे कपड़े हमने साथ जाकर सेल में लिए थे, उसने वो उसे क्यों पहनने दिए? और वो उसके साथ सोई, उसने उसे अपने रूम में क्यों सुलाया? अरे नहीं, उसने कहा था कि कोई पंगा हो गया है। तुम्हें पता है ना, गैंगजी हमसे छुपाकर किसी लड़की को यहाँ लाकर अयाशी नहीं करेगा। रोना बंद करो, एक ना एक दिन तुम उसे पटा ही लोगी। मॉम, आपको कैसे पता? क्या ये कि तुम गैंगजी को चाहती हो? ये तो पूरे मोहल्ले को पता है। लो आ आ, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब हुआ ही है तो उसे बता दो। मना किया तो फिर पूछना। और वो भाग गया तो तुम उसका पीछा करना और क्या। जानती हो, तुम्हारे पापा को पटाने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले। खा लो। एक बात है, मोनयांग बड़ी होकर सुंदर हो गई है। बकवास बंद करिए। अपना फोन तो उठा गधे।